डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों हमने एक मिशन शुरू किया हुआ कि आपके अंदर जो डीआई का डर है ना उसको हमें खत्म करना जड़ से। देखिए हमारे मन में एक हवा बना हुआ कि हम डीआई के क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे सभी वीडियोज देखते हैं डीआई की, तो आपके अंदर जो डीआई का डर है ना वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें डर लगने लगता है और हम सोचते हैं यार ये तो पता नहीं कैसे होंगे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हम देख के डेटा देख के घबराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वीडियोस देखिए, आपका पूरा का पूरा डीआई का डर खत्म हो जाएगा। और इसी कड़ी के अंदर दोस्तों आज हम 25 सितंबर 2020 में डीआई के जो क्वेश्चन आए उनको सोल्व करके देखेंगे कि किस तरह से उन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। और अब भी देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बिल्कुल ईजिली डीआई के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से 2020 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर एक करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये हमारा आया हुआ है एग्जाम के अंदर। देखिए डीआई का जो भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले हमें उसकी स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। उसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है। ये देखिए ये यहाँ पे है ईयर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ईयर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो सैलरी है वो दी हुई है, और एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे दिया हुआ है लाखों के अंदर ये दिया हुआ है। सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी कितनी है स्टाफ की, ये 288 लाख है, ये सभी लाख के अंदर दी हुई है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कितना होता है किसी कंपनी के अंदर, वो इतना होता है। उसके बाद में बोनस कितना दिया जाता है, इतना दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्सेस कितना है, ये है हमारा। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर एक है, क्वेश्चन नंबर एक में इन्होंने क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं। What is the average amount of interest per year that institute had to pay? यानी कि एवरेज निकालनी है हमें, किसके ऊपर निकालनी है, इंटरेस्ट पे हमें निकालनी है। एवरेज किसकी निकालनी है, इंटरेस्ट की हमें निकालनी है। दोबारा से इसको आप पढ़ लीजिए, What is the average amount of interest per year that the institute had to pay? यानी कि इंटरेस्ट पे हर साल एवरेज कितनी अमाउंट देनी पड़ती है इंस्टीट्यूट को। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ये दिया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट कितना लग रहा है हर, देखिए 2015 में कितना लगा, 23.4 लाख लगा। इसी तरीके से हर ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं ना। इसमें देखिए इन सभी को हम प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 5 करेंगे, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना हमारा ये। और चलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये देखिए सॉल्यूशन है, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, सम ऑफ टोटल इंटरेस्ट नंबर में डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, इसको हम प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो ये कितना गया 183.3, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 33.66 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किस में दिया है दोस्तों, ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों कि किस तरह से करना है ये, तो ये समझिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारा वहीं पर हो गया। लेकिन डीआई के अंदर हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय इंस्टीट्यूट। ये देखिए टोटल अमाउंट
किस पे? टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, ये देखिए बोनस कहाँ पे हमारा, ये है टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए सैलरी पेड कहाँ पे है हमारे पास, सैलरी पेड ये है, ठीक है। अब ये देखिए टोटल ये निकालेंगे, बोनस ये है, इसको हम प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस हम करेंगे, ठीक है। इसको प्लस करके इसका जो परसेंटेज है वो हम निकालेंगे, सैलरी के साथ में परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजीली आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है, टोटल करना है, फिर हमें बोनस का परसेंटेज निकालना है, सैलरी के साथ निकालना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे देखने में काफी मुश्किल लगता है ये। चलिए कोई नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ आपको करवा के दिखाऊंगा। टोटल अमाउंट बोनस पेड बाय द कंपनी, अब ये देखिए इसको 3 जमा 2.52 ये हो गया, और 3.84 हो गया, 3.68 हो गया, 3.96 हो गया, इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, इसका टोटल होगा, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, बोनस में 17 लाख हो जाएगी। फिर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय द कंपनी, अब देखिए इसको हम प्लस में करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 288 प्लस में 342, 324, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1710 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, बोनस का परसेंटेज निकालना है किसके साथ, सैलरी के साथ हमारा निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 17/1710 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करेंगे इसको। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.994, और ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है, ये अप्रोक्सीमेट हमारा है 1% के बराबर है ये हमारा, ठीक है। तो इसका राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हाँ जी करें ना प्रैक्टिस जी, वेरी गुड शाबाश। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडेंस यानी कि टोटल जो खर्चा हो रहा है हमारा ऑफ ऑल दीज आइटम इन 2015, 2015 के अंदर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है, चाहे वो सैलरी पे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट पे हो, चाहे बोनस पे हो, किसी पे भी हो, 2015 में ये देखिए ये सारा का सारा आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा 2015, ठीक है। वाज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2019, अब देखिए 2019 के अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ है और 2015 में हुआ है उनका हमें क्या निकालना है, उसका हमें परसेंटेज निकालना है, 2015 का परसेंटेज निकालना है 2018 के साथ में। इसका हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे टोटल को, और फिर इसको टोटल करेंगे, फिर इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। बिल्कुल ईजी मैं करवा रहा हूँ तो कितने आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन, रियल में आसान होते हैं यार। अब आप थोड़ा सा करके देखिए, समझ के देखिए, आपको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं, सोल्व कैसे करेंगे इसको। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था कि 2015 में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, 288 प्लस 98 प्लस 3, ये सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाए, 495.4 लाख ये हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर इन 2019, 2019 में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, अब ये देखिए इस सभी को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या निकालना है, 2015 का 2019 के साथ परसेंटेज निकालना है, तो 2015 का ऊपर रखेंगे, 2019 का नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितना आया, 84.63 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर किसके अंदर है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और कई बार देखिए, अगर दोस्तों कई बार आपका आंसर, जैसे यहाँ पे 84.63 दिया, आपका मान के चलिए आपका आंसर आ रहा है 83% आ रहा है, 83% आ रहा है, तो आप किस में आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे आंसर लगा देंगे, इस पे टिक कर देंगे आप, ठीक है। तो डीआई के अंदर क्या है कि थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, कई बार क्या होता है कि डेटा जब कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उसके नजदीक जो भी आंसर है वो आंसर आप लगा सकते हैं जी। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं भाई, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, द टोटल एक्सपेंडिचर इफ द इंस्टीट्यूशन ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग 2017। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है इन्होंने, किसमें पूछा हुआ है, 2017 के अंदर पूछा हुआ है, 2017 ये है, ठीक है, 2017 का प्लस कर लीजिए, इन सभी का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, टोटल एक्सपेंडिचर इफ द इंस्टीट्यूशन ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2017, इसमें हमें पूछा हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हम राइट आंसर देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा। बिल्कुल ईजी है, जो मैंने बताया आपको वही है, टोटल एक्सपेंडिचर इन 2017, 2017 ये है हमारा, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, इन सभी की अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 544.44 लाख, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यार कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही डीआई का क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, बस हवा हो जाता हमारे अंदर, हाय डीआई आ गया, डीआई आ गया, डीआई नहीं एक भूत आ गया, ऐसे लगने लगता है हमें, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आप एटलीस्ट मेरे कहने से एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जरूर देखना, पांच के पांच क्वेश्चन है ना, पांचों को एक बार पढ़ना जरूर, उसके अंदर इजी क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था हमारा, ये कितना इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया है, कोई पहले का नहीं बता रहा मैं कि 2010 में आया है, 2012 में नहीं, 2020 में आया है, लेटेस्ट जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप मेरे कहने पे एक बार डीआई के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर देखना, आए ना आए वो एक अलग चीज है, बट पढ़ के जरूर देखना, कोशिश जरूर करके देखना आप, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि आपको पांच में से कम दो से तीन क्वेश्चन तो एक्यूरेट आ ही जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों का नेट और जेआर हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर क्या है, द रेशो बिटवीन द एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेशो, रेशो वाला एक क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, और हमारे क्या क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक तो हमारा आता है एवरेज निकालना आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारा एवरेज निकालने का, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा रेशो का आता है, दूसरा क्या आता है हमारा रेशो का आता है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आता है परसेंटेज का आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा परसेंटेज का आता है। ये तीन क्वेश्चन तो आपको डीआई के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी तरह की डीआई हो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जी चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, द रेशो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स फॉर द ईयर 2016 2018। अब देखिए रेशो निकालना है, क्या निकालना है, रेशो निकालना है किन किन के बीच में निकालना है, 2016 और 2018 में, और किसके ऊपर, टैक्सीज के ऊपर निकालना है, टैक्स, टैक्स क्या कहा है, ये है हमारा। अब देखिए 2016 क्या है हमारा, ये है, इसमें क्या है 108, और फिर 2018, 18 में कितना है 88, तो 108 का रेशो निकालेंगे हम 88 के साथ, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है। तो देखिए यार कितने इजी क्वेश्चन है हमारे, कितने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 108 और 88, इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27:22 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चन हमारे कितने इजी क्वेश्चन आए ना हमारे, चलिए मैं मानता हूँ कई दोस्तों का जो दिमाग कम काम करता है, कोई बात नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चन तो यार कोई भी कर सकता है ना, कितने इजी है यार, कितने इजी है ना। जी चलिए सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को जरूर 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 बताना कि क्या इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं ना आप। जी हाँ तो मेहनत कीजिए आप सभी दोस्त, और जितने भी क्वेश्चन है वो कीजिए, करके देखिए आप डीआई के, और आप सभी दोस्त मेरे को जरूर बताना कि क्या आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है, क्या हमें ऐसे ही और वीडियोस बनानी चाहिए, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल निमिजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। और हाँ इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिजी नेट डाउनलोड नहीं किए तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे, 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे आज तक टीचिंग के जो क्वेश्चन है वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, डीआई के अलग है, सभी क्वेश्चन सभी शिफ्ट के आपको अलग अलग मिलेंगे, विद आंसर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है यार, फ्री में ऐप डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए।
कीजिए। दोस्तों हमारा मिशन है आपके अंदर डीआई का डर खत्म करना। काफी दोस्तों के अंदर एक हवा बना हुआ कि हम डीआई के क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट दोस्तों हम एक मिशन शुरू किया है हमने कि आपके अंदर जो डीआई का डर बना हुआ ना, इसको हम बिल्कुल से खत्म कर देंगे। और इससे रिलेटेड हमने पहले भी काफी वीडियोस बनाई हैं और काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो डराने वाले क्वेश्चन है, वो सभी हमने आपको करके दिखाए हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हम 2020 के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन बनाया था 2020 का। आज फिर 1 अक्टूबर 2020 शिफ्ट एक में जो क्वेश्चन आए वो आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इससे देख के आप डर जाएंगे कि हाय इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना डेटा हम कैसे करेंगे। बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको और हमारे वीडियोस देखनी है। अगर आपको रियल में डीआई का डर खत्म करना है तो आप हमारी सारी वीडियो देखिए जो हमने पीछे बनाई हुई है, और ये वीडियो देखिए, आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि आपके अंदर डीआई का डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं 1 अक्टूबर 2020 शिफ्ट एक में आया हुआ ये क्वेश्चन। दोस्तों डीआई का क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझना वाले बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आधा क्वेश्चन हमारा वहीं पे हो गया। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर ए, यानी कि जो स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम के अंदर उसको इन्होंने क्या लिखा, ए, ए से इन्होंने डिनोट किया है। और पास्ट, जो पास हुए उनको इन्होंने पी से डिनोट किया है। ये कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम फोर डिफरेंट जोन, चार जोन के अंदर जो स्टूडेंट अपीयर हुए और पास हुए उनका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और कितनी साल का, यहाँ पे 4 साल का, 2014 से लेके 2015 तक, सॉरी 5 साल, यहाँ पे इन्होंने 6 साल इन्होंने यहाँ पे दिए हुए, 2014 से लेके 2019 तक। 1 2 3 4 5 6 साल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें देखिए ये हमारे जोन दिए के एल एम एन, ये हमारे चार जोन दिए हुए। और हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट तो क्या है कि जो अपीयर हुए एग्जाम के अंदर अपीयर हुए वो, और दूसरे क्या है जो पास हुए एग्जाम के अंदर वो, और यहाँ पे इन्होंने साल दिए, ईयर यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, ये आ गई स्टेटमेंट आपको समझ में, टेबल समझ में आ गई आपको। जी वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे हम देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में इन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये देखिए व्हाट इज, क्या निकालना है, सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपियर इन द एग्जाम। देखिए जो अपियर हुए एग्जाम के अंदर वो, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, यानी कि जो अपीयर हुए वो और जो पास हुए वो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। और आगे क्या, फ्रॉम द जोन के और ऑल द 6 ईयर, सभी 6 सालों के अंदर जोन के अंदर जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और पास हुए, उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। अब देखिए जोन के कौन सा हमारा, जोन के हमारा ये है, इसमें अपीयर हुए कौन से, ये स्टूडेंट है, और पास हुए स्टूडेंट कौन से है, ये है। अब देखिए इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, प्लस में पी वालों को हम प्लस में कर लेंगे, इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना कि अपीयर हुए उन सभी को प्लस कर लीजिए, फिर पास जो है उन सभी को प्लस कर लीजिए, और फिर माइनस कर दीजिए। आगे समझ में, बिल्कुल ईजी है ना जी, वेरी गुड, शाबाश जी। जल्दी से जल्दी आप सभी दोस्त इसका आंसर लिखिए, क्या आंसर आएगा, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आप आप इसमें चाहे तो इस अंदाजा भी वीडियो लगा को रोक सकते हैं सकते दोस्तों, हैं डीआई के अंदर और बाद जितना में जल्दी इसको क्वेश्चन क्वेश्चन देख देख सकते सकते हैं हैं, कोई उतना बात जल्दी नहीं हमें है, करना पूरी चाहिए, जोर कैलकुलेशन जबरदस्ती जरूरी देंगे, नहीं है। हमें डीआई के सीखना अंदर हमारे जाना लिए भी बहुत बहुत ज्यादा अंदाजे से जरूरी है करते हैं। अब जी। देखिए इसके अंदर चलिए अगर अगर हम ये आप करना बात चाहें तो वायरल इसको डिजीज आप की करके और देख लिवर सकते हैं, डिजीज बिल्कुल की बात बात करी करके करके इन देख दोनों के सकते अंदर हैं। ये देखिए बट अभी यहाँ मैं पे इसका कितने 10 सॉल्यूशन है, दिखाने 5 वाला है, हूँ कि 15 किस है, तरह से सॉरी आपको ये 5 है, सॉल्व फिर करना 15 है। है जी इसका चलिए कंपेयर, इसका तो इसका सॉल्यूशन मैं पेयर, आपको इसके दिखाता हूँ। ये कंपैरिजन में देखिए देखिए तो अब इसके ये ये जो जो है है ना, हमारा ये हमें के दिख रहा है, के ठीक अंदर है। ये है, अब देखिए ये अपीयर तो जो हमारा हुए ऑप्शन हैं नहीं है, इन हमारा सभी ऑप्शन को हम गलत प्लस हो गया। करेंगे। अब अब आगे आठ हम सौ बात अस्सी करते हैं, आठ आठ सौ सौ चार, चार, सात इसकी सौ और बीस इसकी इन सात दोनों आठ के सौ बात चालीस करते और हैं। आठ इन सौ दोनों के पचास अंदर आठ सौ देखिए इन इक्यासी, सभी इन को सभी को प्लस प्लस करेंगे तो करेंगे तो हमारा हमारा प्लस प्लस क्या आ क्या आ जाएगा, जाएगा, पंद्रह है, चार पांच है, हजार और इसके सात देखिए सौ तीस तीस है ये 15 हमारा है, 35 पैंतीस है, है, टोटल टोटल आ आ जाएगा। जाएगा, ये ए जो जो अपीयर अपीयर हुए हुए वो, हो, ठीक ठीक है। है, माइनस माइनस में में क्या क्या करेंगे करेंगे हम, हम और और जो जो पास पास हुए, हुए पास जो पास है हुए वो हमारा, उनको ये प्लस कितनी करेंगे बार है, 320 ये जमा रिजेक्ट चार कर सौ देते हैं। बहत्तर अब चार सौ हमारे पास क्या अड़तालीस बच गए, दो ही तीन सौ ऑप्शन बच गए साठ ना हमारे पांच पास, सौ
वायरल चार डिजीज और चार सौ हार्ट अटैक में डिजीज इन सभी ये को दो प्लस ऑप्शन में हमारे रेट पास करना बचे हैं। चाहिए। पास इनमें देखते हैं कि दो किस में हजार छह ज्यादा सौ मरीज उनचालीस ही है। है हमारा अब प्लस आ देखिए, जाएगा। अब आप अब चाहे ए तो में उसको से काउंट कर माइनस सकते पी हैं, कर जल्दी देंगे से तो इनका हमारा टोटल आंसर कर क्या आ सकते हैं। जाएगा, देखिए दो 2090 हजार नब्बे कितना हमारा हो, 35 आंसर कितना आ हो जाएगा जाएगा। हमारे पास, 50 हो देखिए जाएगा, कितना इजी है 50 और 10 कितना हो जी, गया, अस्सी वेरी हो गुड, गया, और बहुत 80 इजी हो है, गया, बहुत कितना हो गया इजी है। हमारे पास, तो इस तरह से आप 90 बिल्कुल हो इजीली गया। इसको कर ये सकते आपको हैं। दोस्तों ध्यान रखना हमें भी दोस्तों, और डीआई आरडीआई के के अंदर अंदर सबसे जरूरत बड़ी बात पड़ेगी हमारी यही यही होती होती है, है, 90 हो गया। कि और क्वेश्चन हार्ट को हमें डिजीज कितने समझना जमा में जरूरी होता होता है, है, ये ये कहना कहना क्या क्या चाह चाह रहे रहे हैं, हैं क्या होंगे, आप 30 30 चल रहा है, जमा में अगर 10 आपको कितने हुए, ये पता 40 चल जमा जाता में है ना, 10 तो कितने आपका होंगे, आधे 50 से ज्यादा 50 क्वेश्चन क्वेश्चन वहीं वहीं पे पे सोल्व सोल्व एटी हो फाइव हो जाता गया, है। 85 और हो गए थे, ज्यादातर तो स्टूडेंट सबसे को को क्वेश्चन क्वेश्चन ही ही समझ समझ में में नहीं नहीं आता आता कि इसमें कहना है, क्या चाह रहा है। इसमें ये है हमारे लिए हमारे जरूरी है वायरल जी। डिजीज के अंदर है। चलिए आगे ठीक क्वेश्चन है, नंबर आगे टू बात करते समझ हैं, में। और देखिए इसमें कितना इन्होंने इजी है, क्या बहुत दिया है इजी ये है हम ना, पढ़ के तो इसीलिए तो देख मैं कह रहा देखते हूँ हैं। दोस्तों व्हाट कि इज आपको द डीआई से एवरेज डरने की नंबर जरूरत ऑफ नहीं है, स्टूडेंट। अब बिल्कुल देखिए इजी है, एवरेज बस निकालना है थोड़ा आपको, सा ठीक है, मेहनत नंबर एक, कीजिए आप। एवरेज नंबर कोशिश ऑफ स्टूडेंट करके हु देखिए, पास, कोशिश हु करने वालों की पास कभी इन द हार नहीं एग्जाम फ्रॉम होती, ऑल द समझे फोर जोन, जी। वेरी यानी गुड, कि सभी शाबाश। फोर जोन और के अंदर ऐसे ही जो आपको करने पास दो हुए दोस्तों स्टूडेंट, स्टूडेंट उनका उनका एवरेज क्वेश्चन निकालना निकालना है है, उन्हें हमें, क्वेश्चन और करवाने कौन से वाला हूँ। ईयर के और अंदर, इसका आंसर आप 2000, देख सकते देख हैं, सकते हैं 15 15 डिजीज में। है। अब अब देखिए देखिए 2015 2015 क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा हमारा ये ये है, है, ठीक ठीक है। है। अब अब सभी सभी जोन ने सभी वही जोन लिया के ना, कॉपी पेन ले एन लिया ना, कॉपी एम पेन साथ में एन, लेके बैठना ठीक है, तुम, ये चार जोनों ठीक के है, उसमें सिखाए कौन कर से रहे हैं आपकी स्टूडेंट का मेहनत, एवरेज निकालना नहीं है किया तो जो आपने पास क्वेश्चन हुए हैं जी। उनका, चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टू अब है, देखिए क्वेश्चन इन नंबर सभी टू का को मैं प्लस आपको नहीं करना, समझाता ये हूँ सभी प्लस और नहीं करने, आपको हमें हमें करने इसका जो आंसर पास देना है। हुए हैं चाहे चाहे तो तो आप आप वीडियो वीडियो को को रोक रोक सकते सकते हैं हैं और और उसका उसका आंसर आंसर दे दे सकते सकते हैं। हैं। सबसे प्लस पहले में इस क्वेश्चन को 324 समझो, में क्या दिया प्लस हुआ है, में 400, व्हाट इज द सौ टोटल प्लस में परसेंटेज ऑफ 840, इन सभी बैड, को हम यानी लेंगे, कि चारों चारों को कितने हम प्लस प्लतिशत बैड करेंगे है जिनका और अभी डिवाइड तक बाई फोर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुआ, ये जो हमारा खाली आंसर पड़े आ हुए हैं जाएगा वो हमें बताना जी। है, ठीक है। बिल्कुल इजी है बिल्कुल ना, इजी इजी है है ना, ना, ये ये तो तो आप आप कर कर ही ही सकते सकते हैं हैं यार, यार, बिल्कुल बिल्कुल इजी इजी है। है। टोटल तो इसका बेड कमेंट बॉक्स माइनस के अंदर में मेरे जो को भरे आंसर हुए बेड चाहिए, है जल्दी से वो जल्दी माइनस आप कर अपना आंसर देंगे, लिखिए, ठीक है, फिर फिर हम हम देख निकालेंगे। रहा हूँ कौन दोस्त देखिए इसका आंसर इसका दे रहा है, वैकेंट कितना बेड अच्छे हो से गया आप कर रहे हमारा हैं। जो खाली जी बेड जल्दी है, से इसका आंसर दीजिए, बटे में अगर आप टोटल चाहें तो बेड वीडियो रोक सकते और हैं, इसका मल्टीप्लाई स्क्रीन बाय शॉट लेना 100 चाहें तो करेंगे, स्क्रीनशॉट भी और ले सकते इसका हैं। मैं मैंने आपको आपको बहुत फॉर्मूला ही अच्छे और तरीके से तरीका मैं बता समझा देता हूँ। दिया है देखिए तरीका क्या है, जी। ए चलिए हॉस्पिटल के कोई नहीं, अंदर इसका मैं टोटल अभी बेड एक के कितने सोल्यूशन हमारे दिखाता हूँ, किस कितने तरह से हैं, आपको एक 100 सोल्यूशन हैं, करना और है। टोटल अब जो देखिए भरे हमने हुए बेड बेड के के कितने 2015 2015 में में जो जो केवल केवल पास 30 हुए है, हैं 35 उनका है, 15 एवरेज है, 10 निकालना है, है। इन इन दोनों दोनों पास का हुए कौन से प्लस हैं, करते कितना चार आ सौ जाएगा, बहत्तर 50 ये आ देखिए, जाएगा, 475 74 जमा में कितना हो तीन जाएगा, सौ 60 हो जाएगा, और 24 60 ये हो कर गया, लिया, फिर 30 चार सौ कितना हो अस्सी जाएगा, 90 फिर हो 840, जाएगा। इन कितने सभी को 90 हम प्लस लोग करेंगे, इन सभी को प्लस लोगों करेंगे ने तो कितना बैठना आएगा हमारे ले पास, रखा है, 2116 तो शेष ये कितने रहेंगे हमारा हमारे पास, टोटल आ 10 बेड जाएगा। खाली है अब यहाँ पे, इसको ठीक है, कितने से इसी डिवाइड तरीके से करेंगे, इसमें करेंगे, 4 टोटल से बेड हम हमारे डिवाइड पास कितने, करेंगे क्योंकि क्योंकि जोन 50 कितने है हमारे, चार और जोन भरे है, हुए कितने तो हैं, भरे चार हुए से देख लेते हैं, डिवाइड 500 करेंगे हम तो इसको, 4 से डिवाइड 10 करेंगे तो और एवरेज 10 कितना कितने हो हो गया, गए 20 20 और और 219 519 हमारा कितना हो गया, एवरेज 35 आ हो गया, जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा 35 कितना आसान है, बेड कितना पे इजी है लोग ना, हैं जी, और बहुत टोटल ही बेड इजी कितने है, हैं हॉस्पिटल बस बी में हमें कितने, प्रैक्टिस 50 करने है, की जरूरत है 50 में से दोस्तों। हम 35 का क्रिटेरिया हमारी रहेगी हमारे प्रॉब्लम पास, क्या है कि 15 नंबर एक रहेंगे, प्रॉब्लम तो इस हमारी है तरीके कि से हम आपको पहले एसी ही डर निकालना जाता है है यार, और फिर डीआई डीआई का निकालना क्वेश्चन है, है, हम हम नहीं नहीं कर कर सकते सकते और यार, फिर हम फिर क्या खोआ करेंगे, बना हुआ ये है, जो ठीक है। टोटल और ये दूसरा हमारा फिर क्या है, हम टोटल है, प्रैक्टिस ही नहीं तो करते, टोटल ये में थिंकिंग थिंकिंग हमारे हमारे अंदर अंदर बंद बंद जाते जाते हैं, हैं, इस इस वजह वजह से से हम हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं नहीं करते करते और और एग्जाम एग्जाम को को भी भी जाते जाते हैं, हैं, तो तो सोचते सोचते डीआई डीआई के के क्वेश्चन क्वेश्चन है है ना, ना, ये ये तो तो हम हम छोड़ छोड़ ही ही देंगे देंगे तो तो करेंगे करेंगे नहीं, नहीं, तो तो 10 10 नंबर नंबर तो तो हमारे हमारे यही यही पे पे खराब खराब हो हो जाते जाते हैं, हैं, शेष शेष बेड बेड हमारे हमारे वैकेंट बेड गलत बटे हो में जाते टोटल हैं बेड मल्टीप्लाई बाय 100, क्वेश्चन। तो आप ठीक कभी है, भी ऐसा बिल्कुल मत इजी सोचिए है। कि डीआई तो हमें आप नहीं सभी आता, दोस्त डीआई जल्दी हमें से जल्दी आता कमेंट है, बॉक्स के हमें अंदर अपना प्रैक्टिस अपना आंसर करनी है, लिखिए, ठीक ठीक है। है, आप टाइम भी जी ले सकते वेरी हैं, गुड। वीडियो को चलिए रोक सकते आगे हैं, हम क्वेश्चन कोई नंबर बात थ्री नहीं, करते और हैं। जिसने ये आंसर नहीं किया उसको देखिए दूसरे क्वेश्चन नंबर मैटर थ्री में में होगी, वही बात ठीक आ रही है। है, सबसे पहले मैं जल्दी से क्वेश्चन जल्दी समझने की यार, जरूरत है, जल्दी इसमें इसका कहाँ आंसर क्या गया लीजिए, है, और क्वेश्चन नंबर मैं थ्री इसमें क्या, इंतजार कर व्हाट रहा इज हूँ द स्टूडेंट रेशो, के, यहाँ पे क्या निकालना कमेंट है, का, रेशो निकालना है और यहाँ पे, आप व्हाट वीडियो इज द को रोक रेशो ऑफ सकते द हैं, कुछ नंबर इंप्रूव कर सकते ऑफ द हैं, स्टूडेंट और हु
और रेशो मल्टीप्लाई हो बाई जाएगा। कितना हो ठीक है, जाएगा, फंड वेरी ट्रांसफर इजी, ठीक है, बहुत मल्टीप्लाई इजी बाई यार। कितना हो जाएगा, देखिए और शुरू हंड्रेड में ये क्या पच्चीस लग पे रहा कर था, लिया, दो हाय जीरो से इतना दो जीरो बड़ा कट डेटा, लिया, इतने और बड़े तीन ऑप्शन से तो अभी 50 को कट के डेटा डेटा दिया दिया, गया है डिजिट हमारे पास दिया, में पता नहीं सोलह यार कैसे हुआ, पॉइंट क्या हुआ, छियासठ बड़ा ये हमारा क्वेश्चन लग आंसर रहा आ था। जाएगा। बट अब जब ठीक है, इसको कर कर लेते लेते हैं तो तो बिल्कुल फिर इजीली इजीली से हम आंसर आंसर निकाल कर सकते हैं पा दोस्तों, रहे हैं, और है ना। हमें जी परसेंटेज कितने चलिए, निकालने इसका हैं, मैं किसके सॉल्यूशन दिखाता कंपेयर हूँ, में इसका हम परसेंटेज सॉल्यूशन किस निकालने, तरह किस से तरह से करेंगे। निकालने, देखिए एवरेज कैसे निकालने, ये है मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसे करनी पास है, जो एडिंग स्टूडेंट कैसे हुए करना, ये 2017 सारी के चीजें अंदर, दोस्तों मैंने 2017 आपको समझाई समझाई हुई है। है। ये आप देखिए, हमारी वीडियो तीन सौ देखिए, एक साठ वीडियो मैंने बनाई और हुई है, एवरेज 2018 परसेंटेज के अंदर कितने, रेशो पाँच सौ चार, ठीक मल्टीप्लीकेशन है, तीन दो और सौ साठ माइनस और वगैरह पाँच सौ जो भी चार, है, इन वो दोनों किसने का ऐसे जब कर हम सकते हैं, रेशो जल्दी से निकाल चल लें, देंगे उसकी कि मैंने मैंने वीडियो दोनों बनाई कट है, करेंगे, वो आप देख आप कट लीजिए, करके देख बिल्कुल लेना, बिल्कुल इजीली इजीली रेकट मेरा हो खुद जाएंगे समझ उसमें में के आ दोनों, जाएगा। तो ठीक कितना है, आएगा हमारे पास, जी रेशो वेरी गुड, पाँच, शाबाश रेशो जी, सात आ इसका जाएगा, आंसर आप देख फाइव सकते हैं, रेशो आंसर सेवन फ्री है, इसका छियासठ आंसर पॉइंट आ जाएगा। सॉरी, अब सोलह एवरेज पॉइंट कैसे छियासठ निकालते इसका हैं, आंसर रेशो है। कैसे निकालते हैं, ये ठीक मैंने है आपको पहली जी, वीडियो वेरी से गुड, करवाई चलिए हुई है, अगला अगर हम आपको क्वेश्चन नहीं करते हैं आती ये अभी, बेसिक और चीजें नहीं आती है आंसर कर रहे तो हो ना आप साथ हमारी के पहले साथ है, वाली कुटाई वीडियो कर जरूर दो, मैं देखना, अगर आपको आप अच्छे क्वेश्चन से नहीं समझ कर में रहे तो आ फेंक जाएगा। दो, मैं आपको देख जी लेना फिर। देखा कितना देखिए इजी अगला यार, क्वेश्चन है कितना, अपना, वट व्हाट इज इज द द परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ लीवर लीवर डिजीज डिजीज आपके अंदर आपके अंदर से, से, जी पेशेंट वेरी गुड, एडमिटेड आप इन करके ऑल द देखिए यार, हॉस्पिटल, आप करके लीवर देखिए, जब डिजीज आप जो करके सभी देखेंगे ना हॉस्पिटल के अंदर, तो लीवर आपके के अंदर डिजीज क्या रियल है में हमारे, मैं ये बताऊं है आपका डी आई सभी का अंदर खत्म हॉस्पिटल, हो ये हो जाएगा। गए, अगर कोई इनका क्वेश्चन आपको एड नहीं नहीं आता दीजिए, तो इनको आप एड हमें करेंगे भी तो बता आपके सकते हैं, पास कितना हम आ जाएगा, कोशिश ये करेंगे आ आपको जाए ज्यादा पांच से पांच ज्यादा दस क्वेश्चन दस करवाने कितना हो के। जाए, 20 और जी चलिए, 15 कितना हो जाए, 35 हो जाएगा आगे हमारे हमारा, पास क्वेश्चन 35 नंबर हो गया, फोर है, ये क्या क्वेश्चन हो गया, नंबर फोर लीवर में इन्होंने डिजीज क्या क्या कहा कहा है, है, अब अब आगे ये देख हमें लेते क्या हैं, द करना है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, स्ट्रोम डॉट टोटल टोटल पेशेंट टोटल नंबर एडमिटेड स्टूडेंट की बात कर परसेंटेज रहे हैं, निकालना है, हु लीवर पास डिजीज फ्रॉम का, जोन एम, और यानी कि टोटल जो जो जोन पेशेंट है एम के अंदर उनके पास कंपेयर हुए में हैं, हमें जोन क्या एम कौन निकालना सा है, है, जोन एम ये परसेंटेज है, और निकालना इसके है अंदर कि पास लीवर जो के हुए मरीज, इसमें वो टोटल कितने हैं नंबर वो हमें हमें बताने बताने की हैं। बात कर अब रहा है, टोटल इनका ये तो हम देखिए, टोटल ये हमने कर करेंगे। लिया ठीक है, लीवर का आगे कर हम लिया, बात ठीक करते है, हैं इसी इन ऑल तरीके द से हम सिक्स किडनी के ईयर मरीज सभी निकाले हैं, छह टोटल सालों कितने के हैं, अंदर, फिर इस हार्ट के निकालेंगे, एप्रोक्सीमेट फिर व्हाट बायल डिजीज परसेंटेज के ऑफ द निकालेंगे, टोटल इन नंबर ऑफ सभी का स्टूडेंट टोटल हु करेंगे, अपीयर फ्रॉम और फिर जो जोन लीवर एम, वाले हैं, यानी कि ठीक है, एम के लीवर अंदर वाले जो जो डिवाइड स्टूडेंट बाय अपीयर टोटल हुए और हैं, मल्टीप्लाई बाई ठीक कितना है, आ जाएगा, इन इन दोनों का दोनों हमें का होगा, परसेंटेज तो इस निकालना तरह है, से हम इसको इसका करेंगे। ठीक जो है, स्टूडेंट फॉर्मूला हमारे मैंने प्रेजेंट आपको बता हुए, दिया है, उसका जल्दी से कीजिए, परसेंटेज जल्दी से कीजिए, निकालना क्या है, कर किसके रहे हैं साथ आप में बैठे, हमारा यार निकालना है इतना जो इजी क्वेश्चन है, और पास बिल्कुल जो हुए आसानी ना से मैं उसका आपको समझा निकालना रहा है, हूँ, अपीयर सारी चीजें हुए मैं हैं बता रहा हूँ, उसके फिर साथ भी में नहीं हमें कर पा परसेंटेज रहे। है निकालना है। ठीक है जी, अच्छी बात दोबारा नहीं से आप इसको है, पढ़ अच्छी सकते बात हैं, नहीं द है, टोटल कुटाई हो नंबर ऑफ जाएगी स्टूडेंट आपकी, हु समझ पास गए, फ्रॉम तो जोन एम, जल्दी से टोटल कमेंट नंबर बॉक्स ऑफ के अंदर स्टूडेंट अपना हु आंसर पास लिखिए। फ्रॉम मैं जोन देख एम रहा हूँ, ये हो यार, गया हमारा, देख रहा हूँ अब ठीक है, सभी दोस्तों इन को ऑल कमेंट द बॉक्स सिक्स का ईयर इज इस अबाउट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट में, व्हाट और देख परसेंटेज रहा हूँ ऑफ कि टोटल किन नंबर ऑफ दोस्तों को स्टूडेंट आया है, है हु हमारी अपीयर वीडियोस फ्रॉम जोन देख एम। के, ये कितना देखिए इम्प्रूवमेंट अपीयर हुआ कौन है से आप ये है, दोस्तों के अंदर, इसके साथ अभी में हमारे हमें सर इसका क्यों परसेंटेज परसेंटेज है, है, एग्जाम निकालना आई है, ना समझ में, तो अभी इसे आप अभी आप बिल्कुल सुस्ती इजी कर करेंगे ना सकते तो हैं, कैसे थोड़ा सा बनी यार, मुश्किल लग रहा है हमें जे जे आरफ आरफ लेना नहीं भाई हो रहा, साहब। ओहो ओ मेरी मेरी बहन, बहन, जे आरफ आरफ लेना लेना करवा रहा है, हूँ मैं, किस लिए प्लीज बैठा हूँ, इसीलिए प्लीज तो मैं बैठा मेहनत हूँ आपको करो, करवाने के ठीक है, लिए। जी मेहनत चलिए, करो, अभी आप करके इसको देखिए, करवा के जब तक करके आप दिखाता हूँ प्रैक्टिस नहीं आपको किस करेंगे ना तरह भाई से ये साहब, होगा। जब तक ये देखिए, प्रैक्टिस नहीं हमारा करेंगे एम तब जोन तक ये है, इसमें जे आरफ पास तो हुए क्या, स्टूडेंट, इन कुछ नहीं सभी हो को हम सकता, प्लस करेंगे, इन प्रैक्टिस सभी को करना प्लस हमारे करेंगे तो बहुत हमारे पास ज्यादा कितना आ जरूरी जाएगा, है, ठीक है, दो हजार जी पांच सौ वेरी चौसठ गुड, ये कर रहे हैं हमारा ना प्लस प्रैक्टिस, आ वाओ जाएगा। क्या उसके बाद बात है में हम यार, बात अब तो करते हैं बहुत अच्छे एम दोस्त जोन बने, के अंदर जो शाबाश, अपीयर चलिए हुए अभी स्टूडेंट, अपीयर करते हुए रहे हैं इसका स्टूडेंट, आंसर, उनको और जब हम कमेंट प्लस बॉक्स के करेंगे अंदर तो कितना लिखना, आ जाएगा, आई बात चार समझ में, हजार कमेंट दो सौ बॉक्स कुछ के अंदर अंदर हमारे पास है, और अब आ मैं जाएगा आपको इसका इसका टोटल सॉल्यूशन आंसर दिखा अच्छा देता अब देखिए, हूँ, हमें आप इसका आंसर परसेंटेज भी लिख निकालना है, दीजिए, मैं पी का इसका परसेंटेज क्या ए के है, साथ इसका निकालना है, सॉल्यूशन दिखा तो देता कैसे हूँ आपको। निकालेंगे, जी पी देखिए, का जो इसका टोटल आया सॉल्यूशन है है हमारा वो यही है मल्टीप्लाई बाई कि लीवर हंड्रेड के जितने डिवाइड भी बाई पेशेंट ए हैं, का जो हमने टोटल 35 आया किए थे, है वो 35 आप इसको टोटल हम ऐसे करेंगे, दो निकालेंगे, हजार लीवर पाँच सौ के चौसठ जितने हमारे गुना पास 35 35 है, है, और बट हुए टोटल चार हजार दो सौ पेशेंट कितने पिचहत्तर हमारे, जब इसको हम सभी सोल्व हॉस्पिटल में, करेंगे तो सभी हमारे पास हॉस्पिटल क्या आ में जाएगा, सभी ये आ मरीज कितने, जाएगा टोटल कितने उनसठ हमारे पास, पॉइंट 90 सत्तानवे परसेंटेज आ पचासी जाएगा, और और चालीस, इन इन्होंने सभी क्या को पूछा एडिजी हुआ है, कितना आया इन्होंने हमारा, 250 आ अप्रोक्सीमेट गया, पूछा ठीक हुआ है, है, ये देखिए, तो तो
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उसे खुद के वायरल डिजीज अब देखिए चुटकी चुटकियों में कैसे करते हैं वायरल डिजीज ये आज आप वायरल दोस्तों को इसके हमारे क्वेश्चन में हमने देखने हैं हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना आपको याद सबसे पहले तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने हैं आगे हम बात करते हैं अपने की बात करते हैं बिना आंसर किडनी के हमारे उसके बाद में इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चन है अगर आपको हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन दस चाहिए हो गया हमारे 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट इन दोनों का हमें रेशो निकालना है तो 90 बटे 40 आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन जीरो से मिल जाएंगे बिल्कुल इजीली ले सकते हैं हमारा आंसर तो वहां से आप डीआई के क्वेश्चन करके देखिए किसके देखिए हमारा बिल्कुल इजीली फोर के अंदर ये रहा ऑप्शन नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो हम बैठे हैं हमें बताइए ठीक है यहाँ पे जी चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ये तो आपसे कर क्या है यार फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास आउट द टोटल बातें पता ही नहीं चला कब कर एग्जामिनेशन की इसमें यही तो खास बात है ना यही तो खास बात है डीआई की अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं मैं बार-बार कहता हूं ना सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है देखिए अब प्रैक्टिस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन अब हमें जोन निकालना है कौन से जोन के अंदर उसमें द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास आउट अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है ना जो आपको समझ नहीं आ रहा वो अपीयर बताइए एग्जामिनेशन सताई हम आपको सॉल्यूशन देंगे करके देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन होगा यहां पे क्या कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु और एक और चीज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्या आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं टोटल ऑफ स्टूडेंट हु हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए निमिज पास का हमें परसेंटेज निकालना है किसके साथ में निकालना है 2012 से लेकर 2020 तक जो सबसे 2020 के अभी जो क्वेश्चन पेपर हुए वो थोड़ा ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा टीपी तक डाउनलोड कीजिए और डीआई के अंदर एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको थोड़ा सा ज्यादा पास आउट कौन से आना हो गया 496 है ठीक है 315 है 464 ये हमारे क्या ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और ये आपको टू द टोटल ऑफ दो जो हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन इनका परसेंटेज इनके साथ में निकालना है जो स्टूडेंट पास आउट हुए उनका परसेंटेज अपीयर हुए सबसे पहले के साथ में क्वेश्चन को समझने की कोशिश सबसे पहले ये देखिए जैसे के आंसर के का निकालेंगे के का कैसे निकालेंगे पास कितने हुए 496 व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल गुना में 100 पेशेंट में 850 ए टू इसका कैसे निकालेंगे यानी कि हॉस्पिटल ए में कितने मरीज हैं उसका रेशो निकालना है हमें और डिवाइड बाय इमेज कितना हो जाएगा हमारा 800 दोनों का हमें रेशो निकालना है ये हमारा इतना इजी है देखिए ये हमारा कैसे करेंगे हम के सभी को ऐड ये किसका है इन सभी को ऐड कीजिए और फिर एल का निकालना है एम का निकालना है एन का निकालना है इस तरीके से चारों का निकालना है टोटल फिर हमें इतना है कि सबसे ए के जितने भी टोटल है वो ठीक है डिवाइड बाय तरीका मैंने आपको बता दिया है बट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये देखिए इसको ऐड किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कितना देखना चाहिए तो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर बट अगर ज्यादा टाइम नहीं आपके पास पास हो गया यही कहा कि इस तरह के एक क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और 90 अगर करना चाहते हैं तो आप 15 जवाब में 10 बट मैं आपको ये कहूंगा कि आप स्किप कर दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है आपको 3-4 मैं नहीं करवाने वाला का आप कीजिए इस क्वेश्चन को मैं देखना चाह रहा हूं यार आप भी कुछ मत करना आप समझ लेना देख लेना जो भी जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर तरीका मैंने आपको बता दिया ठीक है मैं तो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना करना चाहे तो तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन जाहिर में आए ना जीआर किस तरह से हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं और चार जो क्वेश्चन देखे हमने को करेगा कितने इजी अपने जीआर इजी थे ना जी वेरी गुड तो जल्दी से जिन जिन दोस्तों का डीआई का डर खत्म हो रहा है वो सभी वेरी कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत जरूर मैसेज करना ताकि हमें पता जल्दी से जल्दी हमारी मेहनत से दीजिए कितनी काम आपके आ रही है आंसर का तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मैं उम्मीद करता हूं सभी को आज का ये क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटे का बटन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वाली वीडियोस करवाने की कोशिश की और इसके साथ ही अगर 2020 हमारी ऐप और भी मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूं भी डाउनलोड कर लीजिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं सभी को हमारे भी नोट्स मिलेंगे अगर 2012 से लेकर 2020 तक लाइक कीजिए सभी से कमेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आज तक डेट के अंदर बताया डेटा के जो भी क्वेश्चन आए हैं डीआई के वो अलग है रिसर्च के अलग है कम्युनिकेशन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आज के लिए अपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़नेट बाय बाय को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं आपको, फ्री में दे रहे हैं तो इतना तो बनता ही है ना, फ्री में यार, कोई पैसे नहीं ले रहे, फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। और लास्ट में जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हमने एक मिशन चलाया हुआ है कि आपके अंदर डीआई का डर खत्म करना है, और इसके लिए हमने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप हमारी वो वीडियोस देखिए। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप हमारी वो वीडियोस देख लेते तो आपके अंदर डीआई का डर बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमारे अंदर एक हवा बना हुआ है कि जब भी हम डीआई के क्वेश्चन देखते तो हमें ऐसा लगता कि यार ये क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी टेबल होती है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करें, समझ में नहीं आता, और इस डर से हम उन क्वेश्चन को छोड़ देते, हम कर ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियोज देखते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं तो बिल्कुल इजीली आप डीआई के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारी वो वीडियोस देखिए, अगर आपने वो वीडियोस देख ली है तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर 5 नवंबर 2020 शिफ्ट एक में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको करवा के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से बिल्कुल ईजिली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज भी दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पेपर आप सभी को पता है अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसमें हमारा कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है डीआई का, और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं डीआई के 2020 में जो आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। लेकिन आज हम 5 नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए वो हम करके देखने वाले हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। और एक चीज़ और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्त अपनी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आपकी डिजिटल कुटाई भी होने वाली है, हम आपसे क्वेश्चन भी करवा के देखेंगे, प्लस में मैं आपको बताऊंगा भी, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से वीडियो रोक लीजिए यहीं पे और जल्दी से कॉपी पेन लेके आइए और बैठिए हमारे साथ। अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आगे बात समझ में, जेआरएफ लेना तो कॉपी पेन लेनी पड़ेगी जी, कॉपी पेन से जेआरएफ मिलेगा, ठीक है जी। चलिए ले आए हैं तो चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक करते हैं, और ये 5 नवंबर 2020 शिफ्ट एक में आया है। सबसे पहले दोस्तों डीआई के अंदर हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है, जो टेबल दी है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें क्या दिया है उस सभी आंकड़ों को समझना ज़रूरी है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, और इसमें मैं पहले ये जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। 100 पे करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी चलिए 100 पे कर लिया जी। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे हॉस्पिटल दिया, हॉस्पिटल ए बी सी डी, और यहाँ पे ये जो 100 है ना, 150 ये है टोटल नंबर ऑफ बेड है, ये हॉस्पिटल ए में कितने बेड है, 100 है, बी में कितने है, 50 है, सी में कितने हैं, हमारे पास 100 है, डी में कितने हैं, हमारे पास फिर 50 है। तो इस तरह से इन्होंने सभी बेड दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिजीज की बात करते हैं, कौन कौन सी बीमारी है और उन बीमारियों से रिलेटेड कौन कौन कितने कितने बेड भरे हुए हैं हमारे। तो बीमारी एक वायरल डिजीज के अंदर कितने 30 लोग हैं, और हार्ट के कितने 35 है, किडनी के कितने 15 है, लीवर के कितने हमारे पास 10 मरीज है, इतने बेड भरे हुए हैं अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इसी के बेस पे हमारा एक क्वेश्चन है, और आप सभी दोस्तों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से आप सभी को आंसर बताना है। सबसे पहले हम इसको जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच डिजीज ऑक्यूपाई हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल, कौन सी डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज है हमारे हॉस्पिटल में, कौन सी डिजीज के, ये हमें बताना है। तो इसके अंदर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, चार ही तो है ये, और चार ही ऑप्शन हमें दिए। आप इसमें अंदाजा भी लगा सकते हैं दोस्तों, डीआई के अंदर जितना जल्दी क्वेश्चन कर सके उतना जल्दी हमें करना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, डीआई के अंदर ज्यादातर हम अंदाजे से करते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर हम ये बात करें वायरल डिजीज की और लिवर डिजीज की बात करें, तो इन दोनों के अंदर ये देखिए यहाँ पे कितने 10 है, 5 है, 15 सॉरी 5 है, फिर 15 है, इसका कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में देखिए तो इसके मरीज ज्यादा है ना, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इसकी और इसकी, इन दोनों की हम बात करते हैं, इन दोनों के अंदर देखिए इसके अंदर फिर है 15 है,
पांच है, 15 है, 5 है, और इसके देखिए 30 है, 15 है, 35 है, 10 है, ये ज्यादा ही लग रहे हैं ना, तो ये हमारा फिर इसमें राइट कर देते हैं हम, और ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा ये किडनी वाला ये भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बच गए, दो ही ऑप्शन बच गए ना हमारे पास, वायरल डिजीज और हार्ट डिजीज, ये दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। इनमें देखते हैं कि किसमें ज्यादा मरीज है। अब देखिए, अब आप चाहे तो इसको काउंट कर सकते हैं, जल्दी से इनका टोटल कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास 15 और 35 कितना हो जाएगा, हमारे पास 50 हो जाएगा, 50 और 10 कितना हो गया, 80 हो गया, और 80 और 10 कितना हो गया, हमारे पास 90 हो गया। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, आगे भी हमारी जरूरत पड़ेगी इनकी, 90 हो गया। और हार्ट डिजीज के कितने हमारे पास, हार्ट के देखिए ये कितने हो गए, 30 जमा में 10 कितने हो गए, 40 जमा में 10 कितने हो गए, 50, 50 और 35 कितने हो गए, 85 हो गए, 85 हो गए। तो सबसे ज्यादा मरीज हमारे किसमें है, किसमें है, हमारे वायरल डिजीज के अंदर है। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी है ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको डीआई से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझे जी। वेरी गुड, शाबाश, और ऐसे ही आपको करने दोस्तों सभी दोस्त क्वेश्चन, आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और इसका आंसर आप देख सकते हैं, वायरल डिजीज है इसका आंसर, बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हैं जी। अब सभी ने वो ले लिया ना, कॉपी पेन ले लिया ना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना तुम, ठीक है, पिटाई कर देंगे आपकी अगर नहीं किया तो आपने क्वेश्चन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू को मैं आपको समझाता हूँ और आपको फिर इसका आंसर देना है, चाहे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड, यानी कि ऐसे कितने प्रतिशत बेड है जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जो खाली पड़े हुए हैं वो हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ना ये, देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल बेड माइनस में जो भरे हुए बेड है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर हम निकालेंगे। देखिए इसका वैकेंट बेड हो गया हमारा जो खाली बेड है, बटे में टोटल बेड, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और इसका मैं आपको फॉर्मूला और तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए तरीका क्या है, ए हॉस्पिटल के अंदर टोटल बेड कितने हमारे, कितने हैं, 100 है, और टोटल जो भरे हुए बेड कितने हैं वो हम देख लेते हैं, 30 है, 35 है, 15 है, 10 है, इन दोनों का प्लस करते हैं कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टोटल ये कितने हैं, 90 लोगों ने बेड ले रखा है, तो शेष कितने रह गए हमारे पास, 10 बेड खाली है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करेंगे, टोटल बेड हमारे पास कितने हैं, 50 है, और भरे हुए कितने हैं, भरे हुए देख लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20, और 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक है, 35 बेड पे लोग हैं, और टोटल बेड कितने हैं हॉस्पिटल बी में, कितने, 50 है, 50 में से 35 गए, कितने रह गए हमारे पास, 15 रह गए। इस तरीके से आपको ये सी निकालना है और फिर डी निकालना है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ये हमारा क्या है, टोटल है, टोटल में से जो भरे हुए बेड है, जो भरे हुए को बी लिख लेते हैं, टोटल माइनस में जो भरे हुए बेड है वो माइनस करेंगे, और फिर क्या आ जाए, वैकेंट आ जाए हमारे पास, यानी कि शेष बेड रह जाएगा, शेष बेड वैकेंट बेड बटे में टोटल बेड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये। तो आप सभी दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना आंसर लिखिए, आप टाइम भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, कोई बात नहीं, और जिसने ये आंसर नहीं किया उसको घूसे लगेंगे, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यार जल्दी इसका आंसर दीजिए, और मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी के कमेंट का, और आप वीडियो को रोक सकते हैं, कुछ भी इसको कर सकते हैं, और तब तक आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको, आप वीडियो रोक लेना भाई अगर चाहे तो, ठीक है, मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, किस तरह से आपको ये करना है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर 3 है, 16.66 इसका आंसर है, ये कैसे आया, ये देखिए हॉस्पिटल ए में टोटल बेड कितने हैं, 100 है, और भरे हुए कितने हैं, 90 है, शेष कितने रह गए हमारे पास, 10, वही चीज़ तो है यार जो मैं करवाता हुआ आ रहा हूँ आपको। और बी में कितने हैं, बी में 50 है, और भरे हुए कितने हैं, 35 है, शेष कितने रह गए हमारे पास, 15। इसी तरीके से सी में निकालेंगे, डी में निकालेंगे, 15 आ गया, 10 आ गया, इन सभी को हम टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल टोटल वैकेंट बेड कितने हमारे पास, 50 है, और टोटल बेड कितने हमारे पास, टोटल बेड है हमारे पास 300 है, तो 50 बटे में 300 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 3 से जब 50 को कट करें तो कितना आ जाए हमारे पास, 16.66 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। और हमें परसेंटेज कितने निकालने, किसके कंपेयर में परसेंटेज निकालने, किस तरह से निकालने, एवरेज कैसे निकालने, मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, एडिंग कैसे करना, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको समझाई हुई है। आप हमारी वीडियो देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है एवरेज परसेंटेज रेशो मल्टीप्लीकेशन और माइनस वगैरह जो भी है वो किस तरह से कर सकते हैं हम जल्दी से जल्दी, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश जी। इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर 3 है, 16.66 इसका आंसर है। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं भाई, और आंसर कर रहे हो ना साथ के साथ है, कुटाई कर दूंगा मैं अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो, कूट दूंगा मैं आपको, देख लेना फिर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिजीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल। लीवर डिजीज जो सभी हॉस्पिटल के अंदर, लीवर डिजीज क्या है हमारे, ये है सभी हॉस्पिटल, ये हो गए, इनका ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाए 5 और 5, 10, और 10 कितना हो जाए, 20, और 15 कितना हो जाए, 35 हो जाए हमारा, 35 हो गया, ये क्या हो गया, लीवर डिजीज के हो गए। अब आगे हमें क्या करना है, फ्रॉम द टोटल पेशेंट एडमिटेड परसेंटेज निकालना है लीवर डिजीज का, और टोटल जो पेशेंट है उनके कंपेयर में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि लीवर के मरीज वो कितने हैं, वो हमें बताने हैं। अब टोटल ये तो देखिए, ये हमने कर लिया लीवर का कर लिया, ठीक है, इसी तरीके से हम किडनी के मरीज निकालेंगे टोटल कितने हैं, फिर हार्ट के निकालेंगे, फिर वायरल डिजीज के निकालेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे, और फिर जो लीवर वाले हैं, ठीक है, लीवर वाले डिवाइड बाई टोटल और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 100 होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्या कर रहे हैं यार आप बैठे, यार इतना इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ फिर भी नहीं कर पा रहे। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, कुटाई हो जाएगी आपकी, समझ गए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखिए, मैं देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ आप सभी दोस्तों के कमेंट बॉक्स का जवाब दूंगा मैं, और देख रहा हूँ कि किन दोस्तों को आया है हमारी वीडियोस देख के, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है आप दोस्तों के अंदर। अभी हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है एग्जाम, आई बात समझ में, अगर अभी आप सुस्ती करेंगे ना तो कैसे बात बनेगी यार, हमें जेआरएफ लेना भाई साहब, ओ मेरी बहन, जेआरएफ लेना है, प्लीज प्लीज मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, अभी आप करके देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना भाई साहब, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जेआरएफ तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता आपका, प्रैक्टिस करना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, वेरी गुड, कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, वाह क्या बात है यार, अब तो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, शाबाश। चलिए चलिए भी करते रहना इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, आई बात समझ में, कमेंट बॉक्स के अंदर। और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप आंसर भी लिख दीजिए और मैं इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको जी। देखिए इसका सॉल्यूशन है हमारा यही है कि लीवर के जितने भी पेशेंट हैं, हमने 35 किए थे, 35 आप टोटल के लिए, हमने लीवर के कितने हैं हमारे पास, 35 है, और टोटल पेशेंट कितने हैं हमारे, सभी हॉस्पिटल में सभी मरीज कितने हैं, टोटल कितने हमारे पास, 90, 35, 85 और 40, इन सभी को ऐड कीजिए, कितना आ गया हमारा, 250 आ गया। ठीक है, तो 35/250 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आंसर आ जाएगा, 14% हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, तो देखिए कितना इजी है यार। अच्छा, आपने 14 ही आंसर दिया था, यही निकाला था आपने, अरे वाह यार, वेरी गुड, आप तो बड़े जीनियस है भाई, वाह शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, आपका जेआरएफ जरूर होगा, देख लेना। ठीक है, क्या मेरे मुंह में घी शक्कर, वाह वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए, वट इज द रेशो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू किडनी डिजीज, यानी कि वायरल डिजीज के मरीज जो है उनका रेशो निकालना है किडनी डिजीज के साथ में। अब देखिए वायरल डिजीज, अब देखिए चुटकी चुटकियों में कैसे करते हैं, वायरल डिजीज ये है हमारी वायरल डिजीज, इसके हमारे पेशेंट कितने, हमने कितने किए थे, 90 किए थे अगर आपको याद हो तो, इन सभी का टोटल कितना है, 90 है। आगे हम बात करते हैं किडनी की, बात करते हैं तो किडनी के हमारे पास मरीज कितने हैं, किडनी के देखिए 15 जमा में 15 कितना हो गया, 30, और 10 कितना हो गया हमारे पास, 40 हो गया, ये कितना हो गया, 40,
इन दोनों का हमें रेशो निकालना है, तो 90/40 कर दीजिए, 0 से 0 कट गई, 9:4 हमारा आंसर आ जाएगा। 9:4 किसके अंदर है? हमारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, 9:4। ठीक है यहाँ पे। अरे अरे यार, हमने तो ये बातों बातों में कर दिया। हे भगवान, ये तो आपसे करवाना था यार, आप कॉपी पेन लेके क्यों बैठे हैं? गलती होगी है ना, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला यार कब कर दिया। अरे यही तो खास बात है ना, यही तो खास बात है डीआई की। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना, तो चुटकी ही चुटकियों में आंसर आपका हो जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। आप हमारी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत मजा आएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन करना। और अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है ना, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो हमें बताइए ना, हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, करके दिखाएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है? अरे आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, निमिज नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 2012 से लेके 2020 तक के। हाँ, 2020 के अभी जो क्वेश्चन पेपर हुए वो भी आपको मिलेंगे भाई साहब। जल्दी से आप डाउनलोड कीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे, प्लस में आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज अलग अलग मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए ना यार, डाउनलोड कीजिए अभी से निमिज नेट ऐप। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड, शाबाश। और अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूंगा, चुटकियों में आपको बताऊंगा नहीं हूँ, सियाना हो गया हूँ मैं अगली बार। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और ये आपको करना है। ठीक है, आपको करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है, हमें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। ठीक है जी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया। आंसर नहीं दिखाऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा आपकी बार। हाँ, सियाना हो गया मैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी, यानी कि हॉस्पिटल ए में कितने मरीज है उसका रेशो निकालना है हमें, हॉस्पिटल बी में जो मरीज है, इन दोनों का हमें रेशो निकालना है। कितना इजी है यार, देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इन सभी को ऐड कीजिए। ठीक है, इन सभी को ऐड कीजिए, और इन सभी को ऐड कीजिए, और इनका रेशो निकाल लीजिए। टोटल कितने हैं, टोटल ए के जितने भी टोटल है वो डिवाइड बाय टोटल ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और देखिए 30, ये देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का यार कितना इजी है, 30 जमा में 35 जमा में 15 क्या हो गया हमारे पास, 50 हो गया, 50 जमा में 30 कितना हो गया, 80 जमा में 10 कितना हो गया, 90 हो गया, ये हो गया हमारा 90। और आगे क्या हो गया, 15 जमा में 10, ओ और अरे अरे क्या क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो पूरा ही करवा रहा हूँ आपको। ओ बच गया बच गया बच गया जी, मैं नहीं करवाने वाला जी, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं देखना चाह रहा हूँ यार आप भी कुछ हाथ पैर हिला रहे या नहीं हिला रहे। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूँ कौन एक्टिव है, कौन मेहनत कर रहा है, किसका कितना बड़ा डिजायर है अपने जेआरएफ को लेके। ठीक है, जो दोस्त इस क्वेश्चन को करेगा वो अपने जेआरएफ के नजदीक जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ। वेरी इजी, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है, और भी 2020 शिफ्ट के और भी मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चन करवाने हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हाँ, और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल निमिज नेट प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं आपको, फ्री में दे रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है ना, फ्री में यार, कोई पैसे नहीं ले रहे, फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है, घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। और लास्ट में जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी,
लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।